स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बात करो प्लीज सम्राट, उठ जाओ प्लीज। देखो अभी अभी हमारी दोस्ती हुई थी, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज सम्राट उठो प्लीज, मैं बहुत अकेली रही हूँ, मैं नहीं रहना चाहती अकेली। प्लीज तुमने वादा किया था मुझसे, तुम मुझे नहीं छोड़ के जाओगे, मुझे मत छोड़ के जाओ सम्राट प्लीज। प्लीज उठो ना सम्राट। वैसे तो विराट मेरा भाई, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूं तब से तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं, तो उस हिसाब से मैं भी विराट के कान तो खींच ही सकता हूं। आपके लिए एक नई साड़ी भी तो लाया हूं। अभी अभी तो कह रहे थे किसी के लिए कुछ नहीं लाया। अम्मी आप किसी थोड़े ना हो, आप तो कह
कैसे है मेरे बच्चों? You are the best, mommy. No one can beat you. तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ, मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तेरा सम्राट दादा है यहाँ पे, किसी के भी कान मरोड़ सकता है। सम्राट तू ऐसे क्यों सो रहा है? सम्राट उठना, तेरी देवी ताई आई, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तू मुझे घूमने ले जाएगा, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? उठना सम्राट, वीरू देख देख तेरा जीवा मेरी बात नहीं सुन रहा, तू बोल ना वीरू, तू बोल वो तेरी बात जरूर सुनेगा, उनके देखो देखो सम्राट मेरी बात नहीं सुन रहा और वीरू भी नहीं सुन रहा, तू बोलो ना प्लीज। इसने मुझे प्रॉमिस किया था, इसने बोला था कि हम सब फैमिली ट्रिप भी ले जाएंगे, बोलो ना इसे उठने के लिए मगन। सम्राट देख वीरू भी मेरी बात नहीं सुन रहा और बुलगे भी मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन तू तो हमेशा मेरी बात सुनता था और मानता भी था ना सम्राट, तो उठना उठना सम्राट उठना, आई 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 सम्राट आई। महीने सदमे की वजह से मानसी ताई का बीपी बहुत कम हो रहा, अभी भी वो बेहोश बेहोश, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, कौन सी माँ ये सदमा बर्दाश्त करेगी सुनाली? मैं करिश्मा को उनके पास भेजती हूँ। करिश्मा मानसी ताई का ख्याल रख। हम दोनों फ्रेंड्स तो बन सकते ना पत्र लिखा? छोटी उम्र में विधवा हो गई, पता नहीं अब बाकी की जिंदगी पति के बगैर कैसे बिताएगी। दुनियादारी की समझ तो पति के जाने के बाद ही होती है, पति के बगैर जिंदगी जीना आसान नहीं होता। अर्थी को कंधा दीजिए। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। रुकिए, पुत्री ऐसे अंतिम यात्रा रोकी नहीं जाती, तुमने अर्थी क्यों रोकी? पत्र लिखा बेटा, क्या हुआ इस तरह अर्थी को रोकना? अपशगुन होता है, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है बड़ी मम्मी? इस घर का जवान बेटा, मेरे पति की जान चली गई और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है वो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल कैसे हो सकती है? मैं
मैं सई को सम्राट का अंतिम मुख दर्शन नहीं करने दे सकती। बाकी दीदी, वो मेरे दादा हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती? देखो बाकी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन बाकी तुम ऐसे सही को अपने दादा का, अपने बड़े भाई का अंतिम दर्शन करने से रोक नहीं सकती। उसे आना है तो आने दो। बाकी तुम भी जानती हो ना कि सम्राट उसका बड़ा भाई था, दादा था उसका। ये अपने आप को छोटी बहन मानती है ना उसकी। कैसी बहन? बहन अपने भाइयों की बलाएं लेती है, लेकिन तुम्हारी इस सई ने, इसने मेरे सम्राट की जान ले ली। मेरे सम्राट को मारा है इसने। ये सम्राट की बहन नहीं, कातिल है उसके कातिल। नहीं, जब तक सही इस अर्थी के साथ शमशान जाने से पीछे नहीं हटेगी, तब तक सम्राट की पत्नी होने के नाते मैं इस अर्थी को इस घर से नहीं निकलने दूंगी। आखिर दीदी, दादा ने ना मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांसें लिए। सम्राट ने आखिरी सांस ही तुम्हारी वजह से लिए सही, तुम्हारी वजह से। अगर तुम सम्राट को फोन नहीं करती ना, आज वो जिंदा होता। तुमने मेरे सम्राट को मारा और अब तुम उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होके उसकी मौत का मजाक बनाना चाहती हो? नहीं बाकी, तुम सबका बहुत गलत मतलब निकाल रही हो। और बाकी ये वक्त नहीं है ये सब करने का। मेरे जाने के बाद तू उसको संभालेगी ना, जैसे तू पूरे परिवार को संभालती है, भाई को संभालती है, भाभियों को संभालती है, मेरे बाकी को संभालेगी। पत्र लिखा बेटे, इस सम्राट के अंतिम दर्शन करना चाहती है, तो इसे कैसे? नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। जो बाकी दीदी चाहती है वैसे ही होगा। मैं शमशान नहीं जाऊंगी। सही, मेरे ख्याल से सही ने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही लिया है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अर्थी को मत रोको, प्रथम का मत रोको। सत्य है राम नाम, 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 सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है।
पापा ने क्या अनर्थ कर दिया मेरी बच्ची के साथ। बाकी ने परसों फोन करके मुझे बताया ही, मैं बहुत खुश हूँ सम्राट के साथ। और आज प्लीज बात में कर लेना। सही की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन तुम अपना मन मत बदलना, क्योंकि जो काम मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ आज रात को बुला। काश सम्राट ने सही का फोन उठाया ही नहीं होता तो आज वो जिंदा होता, मेरे साथ होता। पकड़ने वाला भांजा है ना, उसका काका का मामा उसे आशीर्वाद नहीं दे पाया, लेकिन मैं ऊपर उसे आशीर्वाद। मैंने ना आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। आज आप हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैं आपको फोन करके नहीं बुलाती दादा, तो आज आप दादा आपने मुझसे कहा था ना कि मैं बाकी दीदी का ख्याल रखूं। दादा मैं ही हूँ जिसने बाकी दीदी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी चोट दी है। आज बाकी दीदी ने मुझे आपके अंतिम दर्शन के लिए शमशान जाने से रोक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा दादा, लेकिन आखिर दीदी की कोई गलती नहीं है, उनका गुस्सा तो जायज है, मैं समझती हूँ उनका गुस्सा, लेकिन आपने मुझे वादा लिया था ना कि मैं पाखी दीदी को समझाऊंगी, मैं पाखी दीदी से दोस्ती करूंगी, मैं पाखी दीदी से कभी कोई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं पाखी दीदी का ख्याल रखूंगी। दादा मुझे माफ कर दो मेरे दादा, मुझे माफ कर दो। मेरे भाई की आत्मा को शांति देना, भाई की आत्मा को शांति देना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.